हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रबर बैंड से तीन न्यू ब्यूटीफुल न्यू हेयर स्टाइल है। बहुत आसानी से बना लोगे, बहुत स्टाइलिश लगेंगे। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए एक रबर बैंड से बताऊंगी तीन बहुत ही खूबसूरत से हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से मैनेज कर लिया है एंड एक रबर बैंड लगा दे रही हूँ कुछ इस तरीके से, बहुत प्यारा लगेगा। आप सेल्फ भी कर सकते हो थोड़ा सा ट्राई करके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद से मैंने इसको तीसरी बार जब किया तो ये बहुत टाइट हो गया था, बट टाइटली ही रखना है जिससे कि आपका जो बन है वो लॉन्ग टाइम तक रहे और आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत खूबसूरत और मैनेज रहे। तो इसलिए आपको टाइटली थोड़ा सा इस तरीके से हेयर को निकालना है, ये देखिए इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा फैला लेना है जैसे मैं फैला रही हूँ वैसे ही, सेम एग्जैक्ट जैसे मैं फैला रही हूँ वैसे ही आपको भी फैलाना है। एंड जो हेयर एक्स्ट्रा बचे हैं उनको इस तरीके से लेके आना है नीचे की तरफ से, एंड रबर बैंड को हाइड करते हुए इसको यूपिन से इसको सिक्योर कर देना है इस तरीके से। यूपिन से अच्छे से इसको सिक्योर कर लेना है। जो अभी जो हमने ये वाला हेयर छोड़ा था इसको भी अच्छे से मैनेज करते हुए स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच करते हुए इस तरीके से यूपिन या बॉबी क्लिप से सेट कर लें। अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हेयर स्टाइल चाहिए तो आप बॉबी क्लिप से सेट कीजिएगा, यूपिन निकल सकता है बाद में। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है, ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसमें थोड़ा सा मैसी लुक देने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे और ऊपर की तरफ से हेयर को मैंने हेयर को ऊपर की तरफ से फैलाते हुए स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच कर दिया, थोड़ा थोड़ा हेयर लेके इस तरीके से खींचा है जिससे कि हमारे बन में एक मैसीपन आ जाए और हमारा बन का लुक थोड़ा मैसी आ जाए और बहुत खूबसूरत लगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको पसंद आया हो। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। थोड़ा सा अनमैनेज लग रहा था तो मैंने एक और यूपिन लिया और इस तरीके से लगा दिया। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। आई होप कि आपको फर्स्ट हेयर स्टाइल पसंद आया हो। तीनों हेयर स्टाइल में से कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं पहले हेयर को ओपन कर ले रही हूँ अच्छे से, उसके बाद से अच्छे से कॉम करेंगे और फिर सेकेंड हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट हेयर स्टाइल को ओपन कर लिया है, यूपिन सारे निकाल दिए हैं, ओके। और हेयर को इस तरीके से खोल ले रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे टू पार्ट्स में ही जैसे डबल रबड़ को इस तरीके से टाइटली ही लगाना है। टाइटली लगाओगे तो अच्छा हेयर स्टाइल बनेगा। अब इस तरीके से अच्छे से बालों को कॉम कर लेना है। अगेन रबड़ बैंड को लगाएंगे बालों को अच्छे से कॉम करके, मैंने रबड़ बैंड निकाल दिया था और यहाँ पे दोबारा से रबड़ बैंड को लगाएंगे थोड़ा सा ऊंचा करके। पहले वाला जो हेयर स्टाइल था वो थोड़ा सा लो था हमारा, तो सेकंड वाला मीडियम में बना रहे हैं हम लोग। आप चाहो तो हाई में भी बना सकते हो, हाई पे भी बहुत अच्छा लगेगा ये। तो इस तरीके से मैंने रबड़ बैंड को लगा दिया है एंड बालों को अच्छे से सुलझा ले रही हूँ। उसके बाद से आपको बालों को थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है, देन इसको ट्विस्ट करना है इस तरीके से। लेयर लिया है मैंने और इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। ट्विस्ट करते के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींचते जाना है जिससे कि जो आपका बन होगा उसका लुक थोड़ा अच्छा आएगा, मैसी आएगा, एंड वेडिंग पार्टी में भी आप ये बन ट्राई कर सकते हो और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दोगे तो बहुत प्यारा लुक है। ऐसे देखिए मैंने ट्विस्टिंग को इस तरीके से खींचा है तो मैसी लुक आ रहा है। साथ साथ में इस तरीके से मैंने इसको रबड़ बैंड के चारों तरफ लपेट दिया है एंड यू पिन से इसको सेट कर देंगे वहीं पर। फिर अगेन दूसरा लेयर लेंगे और इसी तरीके से ट्विस्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा साथ साथ के खींचते जाएंगे, ओके। पूरा एंड तक ट्विस्ट करेंगे और इसी तरीके से खींचते जाएंगे जिससे कि जो हमारी ट्विस्टिंग वाली लेयर है उसको उसमें अच्छे से मैसी बन जाए वो और हम उसको बन बना सकें। नीचे से इस तरीके से लेके आएंगे और अगेन यूपिन से इसको सिक्योर कर देंगे। दोबारा से आपको एक और लेयर लेनी है, अच्छे से यूपिन के साथ साथ सिक्योर करते जाइएगा। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है अभी आप हमारा। अगेन मैंने इसको ट्विस्ट किया है, थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे, बहुत प्यारा लग रहा है इस तरीके से खींचने पे ट्विस्टिंग हमारी, और हमारा जो बन का लुक है वो भी बहुत प्यारा आने वाला है। तो इसी तरीके से खींचते जाएंगे एंड तक, नीचे की तरफ से लेके आएंगे, ऊपर की तरफ से नहीं ले जाना है, इस तरीके से नीचे की तरफ से लेके आएंगे एंड यूपिन से सिक्योर करते जाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो। फिर से एक और लेयर लिया है, इसको भी ट्विस्ट कर दिया है और नीचे की तरफ से लेके आएंगे और इसको इस तरीके से लपेटते हुए रबड़ बैंड के चारों तरफ यूपिन से सिक्योर कर देंगे। फिर से हमने एक लेयर लिया है, उसको भी ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा
मोटा ले लिया है और ट्विस्ट कर देंगे इस तरीके से खींचेंगे और दोबारा से इसको भी नीचे की तरफ से लेके आएंगे और रबड़ बैंड के चारों तरफ लपेटते हुए यू पिन से सेट कर देंगे। बहुत प्यारा लुक आएगा गाइज, आप इसको पार्टी में वेडिंग में भी ट्राई कर सकते हो, ब्राइडल पे भी बैक में आप ये बन दे सकते हो। अगर पतले बाल हैं, छोट लंबे हैं बट पतले हैं, तो आप इस तरीके से बनाओगे तो उनका जो बन का लुक है वो काफ़ी हैवी आएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैंने दूसरी साइड से एक लेयर लिया है और इसको भी इस तरीके से खींच रही हूँ। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। इस तरीके से खींचते जाएंगे साथ साथ के और इसको दूसरी साइड से लाके बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ये हमारा खुल गया। दोबारा से हम इसको ट्विस्ट करेंगे। अच्छे से पिन लगा दीजिएगा ताकि आपसे जैसे मेरे से खुल जा रहा है वैसे खुले नहीं और लॉन्ग टाइम तक सेट रहे अपनी जगह पे। अब जो जितने भी हेयर बचे हैं सबको एक साथ ट्विस्ट कर लेंगे। ऐसे लपेटेंगे बट ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको अगेन टाइटली ट्विस्ट कर लेंगे और इस तरीके से इसको भी खींच लेंगे जिससे कि इसमें भी थोड़ा मैसीपन आ जाए और जो हमारा बन है वो काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा दिखे। तो इस तरीके से एंड तक मैंने ट्विस्ट किया है। अब जो रबड़ बैंड दिख रहा है उसके ऊपर इस तरीके से लगाते हुए यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये वाला हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया। मुझे तो बहुत प्यारा लगा और बहुत स्टाइलिश भी लग रहा है। अगेन हमारा वो ट्विस्टिंग जो लास्ट वाला लिया था वो खुल गया तो उसको दोबारा से हमने इस तरीके से ट्विस्ट किया है और थोड़ा थोड़ा खींच के अब इसको मैं प्रॉपरली अच्छे से सेट करूँगी ताकि हमारा खुले ना, टाइटली लेके थोड़ा सा, ओके ज़्यादा नहीं दबाना है नहीं तो आपके बन का लुक ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। आप ये वाला ट्राई ज़रूर करना, बहुत प्यारा लगेगा। आप खुद से भी कर लोगे, बहुत इजी है, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी की हेल्प ले लेना। अब चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में हमको इस तरीके से बालों को पोनी बना लेनी है, अच्छे से कॉम कर लेना है, देन एक बीच में इस तरीके से लूज करेंगे बालों को और एक हॉल करेंगे और इस तरीके से सारे बालों को नीचे की तरफ से लाते हुए पूरा बाल नहीं खींचना है, इतने पे ही रोक देना है एंड नीचे वाले हेयर को अच्छे से टाइट कर लेना है और फैला लेना है। अब इसको इस तरीके से फैलाते हुए जो ऊपर का हेयर उसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे जिससे कि हमारा जो रबड़ बैंड है वो हाइड हो जाए अच्छे से और यहाँ पे एक यू पिन लगा देंगे, ओके अच्छे से बाद में हम इसको सिक्योर कर लेंगे। और ये जो हेयर है इनको भी अच्छे से फैलाते हुए, यू पिन को मैंने निकाल दिया, बाद में सेट करेंगे, अच्छे से फैलाते हुए यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। बहुत प्यारा बन लगेगा गाइस। पतले बाल हैं, लंबे हैं, तो आप ये ट्राई करना, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड से बन जाएगा और बहुत स्टाइलिश लगेगा। इस तरीके से फैलाते हुए यू पिन लगा दिया है मैंने बन के चारों तरफ। अब ऊपर का जो हेयर बचा उसको सिंपली आपको इस तरीके से ट्विस्ट करना है और ऊपर ही सेट कर देना है यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आप लोग को हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आ रहा हो। मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये वाला हेयर स्टाइल। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रबड़ बैंड दिख रहा है उसको अच्छे से हाइड कर दीजिएगा यू पिन से सिक्योर करके। और अपर में जो आपके हेयर फ्लैट हो गए हैं बन ट्विस्टिंग करने की वजह से तो उसको इस तरीके से खींच के मैनेज कर लीजिएगा। और ये हमारे बन का फाइनल लुक है और यहाँ पे जो अनमैनेज दिख रहा है उसको भी सेट कर लेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके की न्यू हेयर स्टाइल की वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं यहाँ पे फिर से सेट कर रही हूँ हेयर को, थोड़ा सा रबड़ बैंड हमारा दिख रहा था इसलिए अभी पूरे अच्छे से हाइड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज़।